खेल सरकार द्वारा खोले गए राजीव मितान क्लब भी बंद होने के कगार पर बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में इसे भंग करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। इसे लेकर क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब में अनियमितता का मामला उठा, जिस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राजीव मितान क्लब बंद होंगे, इसमें बजट का गलत इस्तेमाल हुआ है, ऑडिट कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राजीव मितान क्लब के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन 60 करोड़ खर्च हुए और 40 करोड़ शेष है। राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फार्मा सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था, और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए हैं, इसमें ऑडिट का प्रावधान है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पर रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। इधर बीजेपी सरकार के राजीव मितान क्लब के बंद करने के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योजना बंद किए जाने की घोषणा करना दुर्भाग्यपूर्ण है, साथ ही कहा कि योजना में भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद है। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्रीय कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गाँव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है, मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत कायल बदला है। अब नई सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच कर रही है और अब बघेल सरकार की एक और योजना को बंद करने का ऐलान किया गया है। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और वहीं दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है। इसके